ये बहराइच जिले का वो इलाका है जहां कल विसर्जन के दौरान एक बड़ा बवाल हुआ, एक बच्चे की मौत भी हो गई है। ये वही रास्ता है जिस रास्ते से मूर्ति विसर्जन के लिए लोग ले जा रहे थे। यहां पर तमाम लोग मौजूद हैं, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है जो आरोपी है वो नेपाल फरार हो गया है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, आंखों देखा हाल जिन्होंने देखा है, उनसे एक एक करके बात करेंगे और जानेंगे घटना क्या हुई थी कल। दादा क्या नाम है आपका? काली देव। ये बताइए कल क्या घटना हुई थी? कल यहाँ से मूर्ति गयी, बस वो मुसलमान लोग दिलाबादीन अब्दुल हमीद के लड़का, अच्छा, मूर्ति के ऊपर बस दिलाबादीन, तो उमा के लड़का उठा के निकला और उनके छत पर झंडा शायद लगावे लाग रहा अपन झंडा, तो बस वो गोली मार दी है, उनके न उखाड़ दी और कई लोग घायल हो गए हैं। इस समय स्थिति क्या? लेकिन साहब पुलिस कोई व्यवस्था ठीक ठाक ना की, पुलिस हिंदुवन क्या है पुलिस वाले। हम मौके पर थे, हमारे गांव का ही आदमी मरा। क्या नाम है आपका? भोला तिवारी नाम है, रेवा मंसूर के रहने वाले हैं। कल माता जी जा रहे थे हमीद के घर से, पथराव हुआ माता जी पे, फिर जब हिंदू भाइयों ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने जवाब में हिंदुओं भाई को पीटना शुरू किया, उल्टा ही 30 हिंदुओं भाई की खोपड़ी पुलिस ने मारा, उसी से कमजोर पड़ गए हमारे हिंदू भाई। उसके बाद जब 30 लोग घायल भी हुए, हाँ, उसके बाद जब हमारे गांव के रामगोपाल मिश्रा को जब गोली लगी, उसके बाद क्या हुआ कि पुलिस प्रशासन ने फिर मारना शुरू किया, तब जाके मुस्लिम जितने मुस्लिम वहां के महाराजगंज के थे, तलवार बांका तसला जो भी उनके पास था, अल्लाह अकबर के नारा लगाते हुए हम लोगों पर अटैक कर दिया। उसमें तिनकाना के 2-3 लोगों के ऊपर तलवार पड़ी, यहाँ कटा है किसी का, यहाँ कटा है, 5 लोगों की अभी तक न्यूज मिली कि 5 लोग एक्सपायर हुए। अब आप लोग क्या प्रदर्शन? हम लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि हमीद का घर तोड़ा जाए, उनको फांसी या उचित कार्रवाई तुरंत तत्काल में दिया जाए, और लड़के को जो हमारा हिंदू भाई मरा है उसको उचित मुआवजा भी दिया जाए। अच्छा ये बताइए क्या कुछ स्थिति, कहाँ से शुरुआत हुई थी इस घटना की? घटना महाराज कितने बजे की घटना? 4 बजे की घटना है, प्रशासन पहुंचता है 7:30 बजे। ये भी देखिए कुल तहसील की पुलिस थी 10-12, वो भी सिर्फ हिंदुओं को मार रही थी। प्रशासन इतना लूज था कि 7:30 बजे मौके पर सारी पुलिस आई, जब घटना पूरा स्थल पर हिंदू भाई को एक तरह से खूब मार लिया। उसके बाद यहाँ पर कुछ साथी और भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, और घटना के कई घंटे बाद पुलिस आई ऐसा ग्रामीणों का आरोप भी है। कुछ लोग और हैं, आ जाइए आगे आगे आ जाइए आगे। कुछ लोग बोलने से भी कतरा रहे हैं। क्या नाम है आपका? रामनारायण। रामनारायण जी कल क्या हुआ था यहाँ पर? इतनी भयावह स्थिति हो गई, हर तरफ दंगे होने लगे और सूचना मिल रही है एक लड़का भी उसमें खत्म हो गया, क्या है सच्चाई, क्या कुछ हुआ था? सच्चाई यह है सर कि प्रशासन जो है, हमारे जो चौकी इंचार्ज हैं और थाना एसओ हैं, ये मिले थे उन लोगों से, दंगा इन्हीं लोगों ने कराया। अच्छा, पुलिस प्रशासन ने कि 4 बजे की घटना होते हुए कैसे क्या हुआ था, सब शांतिपूर्वक चल रहा था, एकाएक ऐसा क्या हुआ? एकाएक ये हुआ कि गाना एक डीजे पर बज रहा था, भारत और पाकिस्तान का, तो मतलब जब गाना रिलीज हुआ तो उनको नहीं रोका गया, तो गाना बजाने वाले तो कौन रोका गया, तो गाना बज रहा था, इसी टाइम से 7-8 लोग महाजिद से निकले, महाजिद बनी है जस्ट बगल में, महाजिद में से निकले और महाजिद से उन्होंने कहा गाना बंद करिए, गाना कुछ लोगों ने कहा था बंद कर देते हैं, कुछ आदमी कहने लगे कि नहीं बजेगा गाना यही, वह उसी में वो पथराव करने लगे, पथराव भी हो गया। हाँ, पथराव करने लगे, बहारों से थे जो उन्हें मतलब लड़के छूटे, वो लोग अपने घर में थे, माँ का और सब निकाल रहे हो, मतलब 3.5 घंटा मतलब ये धूमी धूमा खूब हुआ इधर उधर से, लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ व्यवस्था नहीं किया। अच्छा, कोई एक बच्चा भी इसमें खत्म हो गया? हाँ, एक बच्चा रहुआ मंसूर का, हाँ, एक के और गोली लगी है, वो हॉस्पिटल में है। अब स्थिति क्या है? अब स्थिति ये है सर कि उन लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। कहाँ है वो लोग, पकड़े गए नहीं? पकड़े नहीं, पकड़े गए। यहाँ पर एक साथी और है, वो भी आंखों देखा हाल बताएंगे, वहाँ पर मौजूद थे जब ये घटना कारित हुई। क्या नाम है आपका? ललित वाजपेयी। ललित जी क्या कुछ हुआ था वहाँ? डीजे बज रहा था, अपने शांति से सब लोग जा रहे थे, फिर अचानक अब्दुल हमीद का छोटा वाला लड़का, कौन है ये अब्दुल हमीद? ये महाराजगंज के हैं, निवासी वहीं का, वहीं के हैं, और इनका एक बड़ा बेटा बहुत मतलब बिहार किस्म का है, वो नेपाल में रहता है, फिर वो लड़का आया। क्या आगे भी कुछ नोक झोंक इस तरह की हो चुकी नहीं, है? बहुत साल पहले लगभग 15 मतलब हम लोग छोटे थे तब हुई थी, लगभग 15-20 साल पहले हुई थी एक बार, और हम लोग बहुत छोटे थे, फिर वो आया तो उसने कुछ बोला कि डीजे मुझे मतलब आवाज ही के विषय में, गाना के विषय में, फिर ये लोग कहने लगे कि भाई गाना चल रहा है, आपको दिक्कत
जब आप लोग करते हैं अपनी जो है अभी बारह वफात में आप लोगों ने हर एक प्रकार का उपद्रव नहीं किया किसी व्यक्ति ने हम लोगों के बीच में, तो आपको इसमें कोई जरूरत नहीं है बोलने की। हम लोग शांति से जा रहे हैं, फिर उसी में पथराव होने लगा, फिर पुलिस जो चौकी इंचार्ज में होते थे ये लोग भीड़ ही को लाठियों से घेरने लगे। चौकी इंचार्ज जो मतलब पुलिस को थी वो इधर से जो भक्त जा रहे थे उनको डंडे से खदेड़ने लगे, फिर भगदड़ मच गई। उसी बीच एक लड़का जो खत्म हुआ उसको इन लोगों ने खींचकर घर के अंदर गोली मार दी। अच्छा, लग सुनने में आ रहा है कि कई गोली उसको मारी गई है। अब ये अंदर घर के अंदर मारी है गोली, तो घर के अंदर तो हम थे नहीं, लेकिन गोली मारी गई घर के अंदर। तो कहां वहीं पर वो खत्म हो गया कि मैं बहरेज अस्पताल ले गए सब लोग? आप गए थे? नहीं, हम बहरेज नहीं गए थे, लेकिन सब लोग गए थे लेकर फिर वहां वो खत्म हो गया। इस समय क्या स्थिति है आरोपियों की? आरोपी कुछ पकड़े गए हैं रात में, अब कुछ अभी नहीं पकड़े गए हैं। घर में महिलाएं भी होंगी और बहुत सारे लोग होंगे, सब कहां है इस समय? सब अपने अपने हिसाब से, घर में कोई नहीं है। रात में पुलिस वालों ने दबिश दी है, घर पे लोग नहीं मिले हैं। अब कहां हैं, क्या कर रहे हैं, ये प्रशासन का अधिकार है, हमको तो उसमें हस्तक्षेप करना नहीं है। अब प्रशासन की ही वजह से अब आप लोग की क्या मांग है, आप लोग किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? मांग ये है कि सब व्यक्ति कहते हैं बाबा का बुलडोजर, तो बाबा का बुलडोजर सिर्फ गरीबों के चलने का अधिकार छीनने का आता है। जो ब्राह्मण के ऊंचे ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र में सी विधानसभा और ब्राह्मण की ही हत्या हो जाए वो भी घर के अंदर, तो सोचने की बात है बस। तो साथियों, मैं एक बार आपको दिखा दूं, ये वो रास्ता है जिस रास्ते से मूर्ति विसर्जन के लिए लोग ले जा रहे थे। पुलिस प्रशासन भी यहाँ भारी संख्या में तैनात है, डीएम एसडीएम और भी प्रशासन की कई गाड़ियां लगी हुई हैं लगातार इस जो प्रदर्शन हो रहा है इसको रोकने के लिए। लेकिन जो ग्रामीण है, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो आरोपी है उनको पकड़ कर सख्त से सख्त सजा दी जाए और उनके घर पर बुलडोजर चले। अब ये देखने वाली बात होगी प्रशासन इसमें क्या एक्शन लेता है। महसी तहसील के महाराजगंज इलाके से बिन्नू वाल्मीकि की लोकल 18 के लिए रिपोर्ट।